हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास एट्थ चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस BEND इन विच BN इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर एंड DE इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले, जैसे कि हम हर बार करते हैं, सबसे पहले हम रफ स्केच बनाएंगे, क्योंकि रोम्बस बनाना है हमें, तो इसकी शेप फिक्स होती है। रोम्बस जो है वो दिखने में ऐसा होता है, एक ऐसा स्क्वायर जिसको एक साइड से अगर हम धक्का मार दें तो वो थोड़ा झुक जाएगा, तो उसको हम रोम्बस बोलते हैं। तो रोम्बस का नाम है BEND। साइड कौन सी गिवन है? BN मतलब कि ये वाली लाइन, ये वाला डायगोनल हमें गिवन है 5.6 सेंटीमीटर का, और DE यानी कि हमें ये वाला डायगोनल गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। साइड हमें कोई भी गिवन नहीं है, हमें दोनों के दोनों डायगोनल गिवन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन हमारी नॉलेज में है। हमें रोम्बस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज याद हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टीज तो हमें ये पता रोम्बस की, कि रोम्बस की जो चारों साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, मतलब कि जो साइड एक होगी वही सभी साइड्स होंगी। दूसरी बात हमें ये पता है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वे एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, वे एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं और दोनों को इक्वल काटते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें यूज करनी है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर भी होते हैं मतलब कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब दोनों को आधा आधा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक ऐसा, सबसे पहले तो हमारे पास दोनों डायगोनल ही है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। कौन सा डायगोनल ड्रॉ करेंगे? 6.5 का ड्रॉ कर लेते हैं। 6.5 सेंटीमीटर का हम डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया हमारा डायगोनल। इसका नाम क्या 6.5 वाले का? इसका नाम है DE। तो DE डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया 6.5 सेंटीमीटर का। अब हमें क्या पता? हमें पता है कि जो दोनों डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। वो कैसे ड्रॉ करते हैं? लाइन से आधी से ज्यादा कंपास को खोल के एक आर्क ऊपर, सेम एक आर्क नीचे, फिर सेम हमें दूसरे ई पॉइंट पे रख के आर्क को कट करना। जहां पे ये दोनों कट करते हैं वो हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर होता है, बाइसेक्टर नहीं होता, परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। अब हमें ये पता है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये लाइन तो बाइसेक्ट हो गई है, अब इस लाइन को बाइसेक्ट करना होगा। ये वाला डायगोनल कौन सा? ये वाला डायगोनल होगा हमारा BN, जो कि 5.6 सेंटीमीटर का। अगर हम 5.6 का आधा करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 2 4 एंड 2 8 16, मतलब कि 2.8। तो हमें 2.8 सेंटीमीटर की कंपास खोलनी है। ये डायगोनल ऊपर की तरफ भी 2.8 होगा और नीचे की तरफ भी 2.8 होगा। तो अब हमें क्या करना है, अपनी कंपास को 2.8 सेंटीमीटर का खोलना है। 2.8 सेंटीमीटर कंपास खोल के जहां पे ये कट कर रहे हैं दोनों लाइंस, वहां पे हम अपनी कंपास को रखेंगे और ऐसे आर्क लगा देंगे। सेम हम नीचे यहाँ पे आर्क लगाएंगे। अब ये हमारा पॉइंट बन जाएगा कौन सा? ये बन गया हमारा बी और एन पॉइंट। अब हमें इनको आपस में मिला देना है बस। ये यहाँ पे है बी पॉइंट, इसको डी के साथ मिलाएंगे। ई पॉइंट को भी बी के साथ मिला देंगे। सेम हमें अब ई पॉइंट को एन पॉइंट के साथ भी मिलाना नीचे। सेम डी पॉइंट को एन से मिला देंगे। तो ये हमारा बन गया रोम्बस बी
बी ई एन डी, ये रोम्बस बन गया हमारा। इसकी चारों साइड्स जो है वो इक्वल है। ये वाला डायगोनल हमने 6.5 का ड्रॉ किया था और ये बीच वाला हमारा 5.6 हो गया। आप चाहो तो इसको मेजर करके देख सकते हो, ये चारों लाइंस की जो मेजरमेंट होगी वो बिल्कुल इक्वल आएगी। तो ये हो गया हमारा रोम्बस ड्रॉ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।